हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फेसबुक में लॉन्ग वीडियो पर क्लिक करने पर रील्स ओपन हो जाता है तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले फेसबुक को ओपन करना है। इस तरह ओपन होगा। अब ऊपर तीन लाइन का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलेगा टैब बार का, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर कस्टमाइज द बार का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अब नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन मिलेगा तो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर पिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए वीडियो वाला जो ऑप्शन है सबसे ऊपर पिन होकर आ जाएगा। अब आपको बैक आना है। बैक आकर फेसबुक को फिर से ओपन करके एक बार चेक कर लेना है, जो आपकी प्रॉब्लम रहेगी सही हो जाएगी। अगर फिर भी सही नहीं होगी तो फिर आपको क्या करना है, तो देखिए प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है फेसबुक। तो जैसे फेसबुक सर्च करेंगे यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से आपको चेक करना है, अगर फेसबुक अपडेट नहीं रहेगा तो यहाँ से अपडेट कर लेना। जैसे ही अपडेट कर लेंगे प्रॉब्लम सही हो जाएगी। अगर इतना करने के बाद भी फिर भी सही नहीं होगा तो फिर आपको क्या करना है, तो देखिए आपको फेसबुक ऐप पर कुछ सेकेंड तक टच करके रखना है, लॉन्ग प्रेस करना है। तो यहाँ पर ऐप इन्फो का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके ओके कर देना है। ऐसा करने से आपका जो फेसबुक आईडी है लॉगआउट हो जाएगा, फिर से लॉगिन कर देंगे तो जो प्रॉब्लम है सही हो जाएगी। तो इस तरह आप आसानी से सही कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।